वही उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली जनसभा रुद्रपुर में हुई, जिस पर कांग्रेस द्वारा की गई टिप्पणी उन्हीं पर भारी पड़ गई। दरअसल भाजपा नेताओं पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस के सह प्रभारी दीपिका पांडे को चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है। बता दें कि दीपिका झारखंड मेहगमा विधानसभा सीट से विधायक है और चुनाव संचालन के लिए देहरादून आई हुई है। इसी बीच उन्होंने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता की, जिसमें आरोप है कि उन्होंने इसी बीच प्रधानमंत्री को लेकर व्यक्तिगत टिप्पणियां की, जिसको चुनाव आयोग ने आचार संहिता का उल्लंघन माना है और उन्हें नोटिस जारी किया है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। कि उन्होंने कोई भी ऐसी चीज नहीं की जिसपे उनको नोटिस दिया जाए। उन्होंने यही कहा जो अंकिता भंडारी की मर्डर जब मर्डर हुआ उसके बाद जो उनकी मदर ने जो स्टेटमेंट दिया उसके आधार पर उन्होंने कहा कि आखिर क्या कारण है कि सरकार उस वीआईपी को बचाने की कोशिश कर रही है। और उन्होंने सटायर में कहा था क्योंकि जिस व्यक्ति का नाम उन्होंने लिया अंकिता की मदर ने वो व्यक्ति कहीं ना कहीं उस संगठन से जुड़ा है जो सरकार से जुड़ा हुआ संगठन है, और उसी का हवाला देते उन्होंने कहा कि कहीं ये परिवार का व्यक्ति तो नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने खुद कहा कि आरएसएस और बीजेपी मेरा पूरा परिवार है, ये सब लोग मेरे परिवार के लोग हैं, तो उसी पर बात की, इसमें कोई ऐसी बात नहीं।